फीड मी मोर करते करते देख लो कितना खिला दिया हम लोगों ने। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में थ्री डी एक्स चेतन, आज हम बात करने वाले हैं रायबैक के बारे में। एक ऐसा बंदा जो कि पहले खुद फीड मी मोर करके बाद में खुद फीड करने वाले सामान ऑनलाइन बेचता रहा, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन उसको एक इच्छा जागी है कि वो दोबारा से रेसलिंग करना चाहते हैं बिकॉज अपेरेंटली उनके प्रोडक्ट वर्क कर गए उन पर। जिसके चलते मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था किस तरह से वो ट्विटर पॉल निकाल रहे हैं कि उन्हें किधर जाना चाहिए, और मैंने बताया भी था कि प्लीज रिटायर के अलावा सारे ऑप्शन लगाओ, वी वांट रायबैक टू गो टू WWE। बट हमें एक्चुअली में ये देखना था कि क्या एक्चुअली में WWE को इस पॉल से फर्क पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ये तो सोशल मीडिया है, इसको क्या ही फर्क पड़ता है। रिमेंबर ज़लीना वेगा का क्या वो पोस्ट वायरल हुआ था जब उनको निकाल दिया गया था एंड उन्होंने ट्वीट किया था आई सपोर्ट यूनियनाइजेशन, और अभी र्यूमर्स आ रहे हैं कि ज़लीना वेगा दोबारा से WWE में आ रही है, उनको बैक स्टेज परफॉर्मेंस सेंटर में देखा गया। सो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो क्रिएट हो सकता है, जो कि करवाया रेसल चैटर ने। थैंक्स टू हिम रायबैक इज वेरी हैप्पी। आई थिंक रेसल चैटर ने भी यही बोला कि WWE पे या फिर NXT में जाके वोट करो ताकि रायबैक को हम देख पाए, एंड एज यूजुअल आप लोगों ने वोट किया। मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मेरे को ब्लॉक मार रखा रायबैक ने, लेकिन फिर भी मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनके दुश्मन सीएम पंक के साथ भी नहीं हूं बिकॉज मुझे सीएम पंक ने भी ब्लॉक कर रखा है, तो मेरे लिए ये दोनों बराबर हैं। और एक तरफ मैं ये भी सोच रहा था कि यार 1.3 बिलियन जो सपोर्ट दिखा रहे हैं, मतलब किसी ने लिखा था कि इंडिया इज ऑलवेज देयर विद यू, वी आर अ कंट्री ऑफ 1.32 बिलियन, वी ऑल लव यू रायबैक, यार सीएम पंक को ही बोल लेते। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, रायबैक से ज़्यादा अच्छा हमें सीएम पंक को वापस देखने में मिलता, बट शायद हम लोग अब इंटेलिजेंट हो गए, हमें पता ही चल गया कि कितना ही बोल लो सीएम पंक को फर्क नहीं पड़ने वाला, और मे बी ही इज जस्ट वेटिंग फॉर विंस मिकमैन्स डेथ। आई फील लाइक अगर शेन मिकमैन ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया, देयर इज अ बिग चांस कि सीएम पंक आएंगे, बिकॉज देन वी कैन सी बेस्ट इन द वर्ल्ड वर्सेस बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्पेशल गेस्ट रेफरी क्रिस जेरिको, अनदर बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स तब तक तो वो AEW से WWE में आ भी चुके होंगे, एंड स्पेशल कॉमेंटेटर ब्रेट द हिटमैन हार्ट, द बेस्ट देर इज, द बेस्ट देर वॉज एंड द बेस्ट देर विल बी। बट अगेन इट्स गुड टू सी कि किस तरह से जब मैंने शुरुआत करी थी उस टाइम पे ऐसी खबर आई थी कि रायबैक ने इंडिया को गरीब बोल दिया, एंड आई डोंट थिंक सो कि उनका इंटेंशन ऐसा कुछ था, बिकॉज जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे उसको आउट ऑफ द प्रपोर्शन खींचा गया था, जो कि एज यूजुअल मीडिया करता है। एंड फास्ट फॉरवर्ड्स 4 ईयर्स, हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया के लिए रायबैक को कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। ट्विटर पर फॉलोअर्स बढ़ने तो चाहिए थे, हाँ बढ़ेंगे कैसे भाई, ये ब्लॉग ही करते जाएंगे तो फिर फॉलोअर तो कम होंगे, बट हाँ यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स उनके बढ़ रहे हैं। एंड मैं ऑनेस्ट थॉट्स बताऊं, सी फॉर द फन पार्ट आई थिंक इट्स ऑलवेज फन टू जोक अबाउट रायबैक राइट, बट इन रियलिटी आई थिंक कुछ तो फर्क पड़ेगा रायबैक के आने से WWE के अंदर, बिकॉज अगर आप रिमूव कर दे वर्ड कल्चर की नर्ड ऑडियंस को तो आपको एक बिग चंक ऑफ ऑडियंस दिखती है जो कि ऐसे सुपरस्टार से अपील होती है। मैंने भी पहले आपको बताया था मेरे सारे दोस्त जो थे वो रायबैक की तरफ कुछ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे उनके लिए, क्योंकि इन दी एंड WWE को हर कोई एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम की तरह नहीं देखता, उनके लिए अभी भी वो फाइट है, जो बॉडी बनाता हुआ और ऐसे लड़ते हुए दिख जाता है उनके लिए वो बढ़िया सुपरस्टार है। तो ऐसे में रायबैक इंडिया में बहुत पॉपुलर हुए थे मेरे को लगता है कि, और अगर आप भी लाते हैं अगेंस्ट गाइज लाइक ब्रॉन स्ट्रोमन एंड रोमन रेंस आई थिंक ठीक होगा, बट ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाले जिस तरह से सोशल मीडिया पर रायबैक के हेटर्स भरे हुए हैं। एक तो होते हैं ना जो जोक करते हैं सिर्फ, और एक होते हैं जो बिल्कुल ही हेट करते हैं कि अरे इसको तो रेसलिंग, एक तो ये तो जरूर है कि इसको रेसलिंग नहीं आती। अबे यार हर कोई घूम के टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर नहीं मारने वाला तुम्हारे लिए मैच के अंदर, प्लीज। ऑल आई एम सेइंग के रॉक तो शायद बिजी है अपने फ्यूरियस सीरीज में, सो हाउ अबाउट रेसलमेनिया 37 रोमन रेंस वर्सेस रायबैक। डोंट हेट ऑन मी मैन, आप लोग ही वोट कर रहे हो रायबैक को WWE में लाने के लिए। रिव्यूज बहुत कम है मैं जानता हूँ ब्रो, दुनिया मतलब ही मैं जानता हूँ ब्रो, मंजिल बहुत दूर है मैं जानता हूँ ब्रो, तुझे अकेले ही चलना है मैं जानता हूँ ब्रो, रिव्यूज बहुत कम है मैं जानता हूँ ब्रो, दुनिया मतलब ही मैं जानता हूँ ब्रो, मंजिल बहुत दूर है मैं जानता हूँ ब्रो, तुझे अकेले ही चलना है मैं जानता हूँ ब्रो।